स्वागत है आपका मेरी किचन इंडियन होम कुकिंग और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा। लेकर आई हूं आज फिर से एक नई रेसिपी। जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कृष्णा का फेवरेट मेगा पाव, जिसे हम ड्राई फ्रूट कतली भी बोलते हैं। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पैन लूँगी और उसमें आधा कप शुद्ध देसी घी ऐड कर लूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लूँगी। यहाँ पे हमारा घी जो है गरम हो चुका है, अब हम अपनी फ्लेम जो है हल्की कर लेंगे, स्लो कर लेंगे। और अब इस बड़े चम्मच के बराबर मैं ये गोंद इसमें तलूँगी। ये गोंद जो है आपको पंसारी की दुकान में बहुत ईजीली मिल जाएगा और हमें गैस हल्की करके, जो हमारी गैस है वो स्लो करके ही इनको तलना है, वरना हमारे जो गोंद है वो अंदर से कच्चे ही रहेंगे और ऊपर से ये पक जाएंगे और जब हम खाएंगे इन्हें तो ये हमारे दांतों में चिपकेंगे। ये देखिए ये फूल के कुछ इस तरीके से हो गए हैं और अब मैं इनको एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी तेल में ही मैं दो बड़े चम्मच बादाम जो है फ्राई कर लूँगी। ये तकरीबन 25 से 30 बादाम होंगे, इनको भी हम इस तेल में ही फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, तो इट मीन्स हमारे जो ये बादाम हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये इनका जो स्वाद है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, ये जल से जाएंगे। अब इन्हें भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैं दो बड़े चम्मच काजू भी फ्राई कर लूँगी। हमें गैस की फ्लेम का ध्यान ज़रूर रखना है। इस समय भी मेरी जो फ्लेम है गैस की स्लो ही है और ये देखिए हल्के से काजू का कलर चेंज हो गया है, इट मीन्स इसका कच्चापन कम हो गया है। इन्हें भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और अब फ्राई करेंगे अखरोट। यही मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं, तकरीबन 15 से 20 अखरोट लिए हैं। इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए अब इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। अब मैं तलूँगी मखाने। यहाँ मैंने एक कप मखाने लिए हैं, जिसे हम लोटस सीड भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इन्हें भी स्लो फ्लेम में ही हमें तलना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, हमें सारे ड्राई फ्रूट अलग ही तलने हैं, कोई खट्टा नहीं तलना है। अब उसी बचे हुए घी में हम फ्राई करेंगे मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज। यहाँ मैंने हाफ कप खरबूजे के बीज लिए हैं और जब ये चटकना शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ें भी आनी शुरू हो चुकी हैं, उसी टाइम पर हम ऐड करेंगे यहाँ पे एक कप सूखा नारियल, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था कद्दूकस से। आपको यहाँ पे सूखा नारियल ही लेना है और इनको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसको भी मैं अलग कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई होके तैयार हैं। ये देखिए गोंद भी कितनी आसानी से टूट रहा है फ्राई होने के बाद और हमारे जो मखाने हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हें हमें दरदरा पीसना है। इसके लिए मैं ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इमाम दस्ते में भी इन्हें कूट सकते हैं, बहुत आसानी से कूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले बादाम, काजू और अखरोट को दरदरा ग्राइंडर में बस चलाया है और छोड़ दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। इसी तरीके से मैंने मखाने भी ऐसे कूट लिए हैं और मैंने गोंद भी इसी तरीके से मिक्सी में एक बारी ग्राइंड कर लिया है। और अब हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने लिया है 2 कप चीनी और 1 कप पानी। इन चीज़ों के लिए मैंने एक ही कप सेट कर रखा था और इसको उबालना है हमें तब तक जब तक इसकी एक तार की चाशनी ना बन जाए। ये देखिए इसको हिलाते रहना है। यहाँ मेरी चाशनी बनके तैयार है। ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ और अपने सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इस चाशनी में डाल दूँगी।
ये मैंने कद्दूकस करा हुआ नारियल, तरबूज के बीज वगैरह सारे ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच किशमिश का, इसका और भी स्वाद अच्छा करने के लिए। अब इस टाइम पे मैं गैस ऑन कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि चाशनी के साथ ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। और अब एक लूंगी मैं थाली, उसको ग्रीस करूंगी मैं देसी घी से, और अपना जो गर्मा गर्म पाक है वो इस थाली में मैं कर दूंगी ट्रांसफर। और हमें जल्दी से इसको सेट करना है, गरम गरम में आपको ये सेट करना है, और इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गार्निश करा है पिस्ता के साथ, इसको पिस्ता को मैंने कद्दूकस कर लिया है और ऊपर से इसमें स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए इस मेवा पाक की ये खास बात है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, आप महीनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने कुछ ठंडा होने के बाद इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया था, और एक एक पीस हमारा देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। ये देखिए, तो इस जन्माष्टमी आप भी इसको जरूर से बनाइए और अपने कृष्णा को इसी पाक का भोग लगाइए। आई होप आपको मेरी ये मेवा पाक की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।